एलिमेंट्स एंड रूब्रिक्स, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि एक रूब्रिक में होने चाहिए तो फिर वो ग्रिड बनता है, वो रूब्रिक बनती है। इस आप फिगर को एक नज़र देख लीजिए और फिर इसके ऊपर हम दोबारा भी आते हैं। इसमें एक सेट होना चाहिए क्राइटेरिया का। एक इसका एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है कि एक रेंज होनी चाहिए, और तीसरा एलिमेंट ये है कि डिस्क्रिप्टर्स होने चाहिए। ठीक है जी, फिर जरा देख लें। एक सेट ऑफ क्राइटेरिया जब हम कहते हैं, और वो कहाँ से आता है? ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव्स कौन से थे? या तो कोर्स के थे, या आपके लेसन के थे, या आपके जो हैं वो उस टॉपिक के होंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं कि ये कोर्स पढ़ने के बाद या ये लेसन कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू दिस 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 दिस, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके ऊपर आपने वो ग्रेड बनाना है। ये जो सेट ऑफ क्राइटेरिया है, दिस कम्स फ्रॉम दोज ऑब्जेक्टिव्स। वो उनसे निकलते हैं कि कौन क्या चीज, अगर ऐसे राइटिंग है, सपोज ऐसे की एग्जाम्पल ही मैं लेके चल रही हूं, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव ये था कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू राइट अ गुड एस्से। ठीक है जी, ये होना चाहिए। अब इसमें से वो सारे गुड एस्से कौन सा होगा, जिसमें आइडियाज भी होंगे, जिसमें आपकी वोकैबुलरी शुड बी एप्ट, योर वर्ड चॉइस शुड बी वेरी करेक्ट एंड वेरी एप्ट, और आपकी जो वो है सिंटैक्स वो गलत नहीं होना चाहिए, ग्रामर आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, आपके आइडियाज में कोहेरेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई आप बात आप कराची की कर रहे हैं तो दूसरी आप वहां से उठा लें, वो एक कॉन्टिन्यूटी में वो चीज चलनी चाहिए। आपकी जो ओपनिंग है दैट शुड बी वेरी नाइस एंड दैट शुड बी प्रॉपर, और कंक्लूजन और बाइंडिंग आप जो है वो भी ठीक होनी चाहिए। ये सारी एक अच्छे ऐसे की क्वालिटीज हैं। अब ये जो आपने क्राइटेरिया बनाया तो ये सारी क्वालिटीज उठाई, और ये आपके अब देखिए उस ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक हो रही है ना, कि स्टूडेंट्स को एक अच्छा ऐसे लिखना चाहिए, ये क्लास अटेंड करने के बाद ये ऑब्जेक्टिव था। अब ये सारे जो हैं उस अच्छे ऐसे को आपने छोटे 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 चंक्स में डिवाइड कर दिया, ये आपका क्राइटेरिया बन गया। दूसरी चीज जो है वो होना चाहिए रेंज ऑफ लेवल्स। रेंज ऑफ लेवल्स क्या होगा कि सारे के सारे स्टूडेंट्स तो एक लेवल पर नहीं लिखेंगे ना, जाहिर है उसमें वेराइटी होती है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज एंड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ लर्निंग। तो उसमें आपको लेवल्स का पता होना चाहिए कि दिस इज नोन एज एन एक्सीलेंट एसे, दिस इज अ बी ग्रेड एसे, दिस इज अ सी ग्रेड एसे, एंड दिस एसे इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो ये जब आप उसके ये जो लेवल्स हैं ये ग्रेड्स होने चाहिए, इसकी एक इसमें ये चीज चाहिए होती है। तीसरी चीज जो चाहिए है वो डिस्क्रिप्टर्स हैं। वो डिस्क्रिप्टर्स कौन से वाले हैं? ये आपका थर्ड वाले तीसरा एलिमेंट है। डिस्क्रिप्टर का मतलब ये है कि जब आपने कहा कि वोकैबुलरी एक आपका क्राइटेरिया ये है, ठीक है, तो इसके फिर आप जो चार ग्रेड्स की चार किस्म की जो लेवल की जो वोकैबुलरी है ना, वो डिस्क्रिप्टर हो गया कि ये मेरे ख्याल में ए ग्रेड वोकैबुलरी है, ये मेरे ख्याल में बी ग्रेड वोकैबुलरी है, ये मेरे ख्याल में सी ग्रेड वोकैबुलरी है। तो ये वाली जब ये तीन चीजें जो हैं डिस्क्रिप्टर्स हो गई, तो फिर तीन एलिमेंट्स कौन कौन से हुए? एक हुआ जी आपका ऑब्जेक्टिव्स या क्राइटेरिया, नंबर टू आपके जो लेवल्स हैं लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस कि ये एक्सीलेंट है, ये बी ग्रेड है, ये सी ग्रेड है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और तीसरी एलिमेंट क्या है? वो डिस्क्रिप्टर्स जो कि उस क्राइटेरिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो दोनों को लिंक कर रहे हैं कि ये डिस्क्रिप्टर जो है ये क्राइटेरिया को भी लिंक कर रहे हैं। ये क्राइटेरिया होना चाहिए, ये एक्सीलेंट लेवल का है। नेक्स्ट वन, ये क्राइटेरिया होना चाहिए तो ये बी ग्रेड है। तो तीसरे वाले जो हैं वो आपके डिस्क्रिप्टर होते हैं। अब मैं पीछे वापस उस फिगर पे जा रही हूं, ये देखिए इसको, ये वाला आपका क्राइटेरिया है आपका एक लेवल, ये वाला जो है ये आपका लेवल्स हैं और परफॉर्मेंस के आपका दूसरा वाला एलिमेंट, और ये जो अंदर सारे जो हैं ये लिखे हुए हैं ये क्या है, ये आपके तीसरा वाला है एलिमेंट है जो कि डिस्क्रिप्टर्स का है। तो ये तीन चीजें मिलके क्या बनाती हैं? आपका रूब्रिक बनाती हैं।
तीन एलिमेंट्स जो हैं वो जरूर होने चाहिए, उनके बगैर आपके रूब्रिक्स इनकम्प्लीट हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर वन क्राइटेरिया विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स, और नंबर टू लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस या लेवल्स ऑफ लर्निंग, और नंबर थ्री जो है डिस्क्रिप्टर्स जो कि उन लेवल्स को भी और उस क्राइटेरिया को भी डिस्क्राइब करेंगे कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये तीनों चीजें जब आप इकट्ठी एक प्लेस पे और एक ऑर्डर में जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस ग्रेड की उसमें आप रखते हैं तो ये क्या होता है, ये रूब्रिक बनता है। ये तीनों एलिमेंट्स और इस तरतीब के साथ होने चाहिए किसी को भी रूब्रिक को बनाने के लिए।